गुड मॉर्निंग एव गिवन टूडे वी विल स्टार्ट रिविजन ऑफ चैप्टर सेवन फ्रॉम टेक्स्ट बुक पेज नंबर फिफ्टी फोर नाउ चैप्टर नेम इज इन द मार्केट इन द मार्केट मतलब ये किसका सीन है मार्केट का सीन है जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था ये मार्केट का सीन है मार्केट में बहुत सारे शॉप्स होते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स ड्रेस आपको घर के लिए जो भी सामान चाहिए होता है या आपको मिल्क uh, ब्रेड कुछ भी चाहिए होता है तो हम कहाँ जाते हैं स्टेशनरी के लिए भी कहाँ जाते हैं हम मार्केट जाते हैं दे आर मैनी शॉप्स इन द मार्केट सो ये क्या है इट इज़ इट इज मार्केट डे द मार्केट इज फुल ऑफ पीपल ये मार्केट है ये मार्केट का दिन है मार्केट में क्या है फुल ऑफ पीपल मैन वुमेन एंड चिल्ड्रेन पुश ईच अदर मैड मतलब आदमी और बच्चे एक दूसरे को पुश कर रहे हैं मतलब धक्का दे रहे हैं जब बहुत सारे लोग होते हैं तो क्या होता है एक दूसरे को पुश करते हैं वेंडर्स कॉल आउट वेंडर्स जो शॉपकीपर्स को हम क्या बोलते हैं वेंडर्स फ्लावर्स स्वीट जैसम पिंक रोजेस बैंगल्स फ्लावर कौन कौन से स्वीट जैसमिन है और पिंक रोजेस है बैंगल्स मतलब चूड़ी जो हम चूड़ी पहनते हैं ना हाथ में रेड एंड ग्रीन पिंक एंड ब्लू कौन कलर से कलर्स हैं वहाँ पे रेड ग्रीन पिंक एंड ब्लू फ्रेश फ्रूट ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स क्या कहेंजेस एंड ग्रेप्स और लिटिल गर्ल स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द बैंगल सेलर शेज क्लाइंग एक लड़की बैंगल सेलर जो चूड़ी बेचने वाला है ना उसके सामने खड़ी हो गई है देखो जो सा गर्ल यहाँ पे बैंगल सेलर है बैंगल्स को बेच हुआ है वहां पर एक लड़की पर्पल कलर की ड्रेस पहन के खड़ी है शेज खाइंग वॉट इज वॉट इज द मेटर लिटिल गर्ल बैंगल सेलर बेंगल सेलर क्या पूछता है उस लड़की से क्या हो गया क्यों हो गय माई ब्रदर दिटिल गर्ल लिटिल गर्ल क्या बोलती है मुझे मेरा भाई चाहिए आई वॉन्ट माई ब्रदर तो बेंगल फ्रूट uh, सेलर जो यहाँ पे साइड में फ्रूट सेलर है जो फल uh, बेच रहा है वो क्या पूछता है वॉट इज योर नेम तुम्हारा नाम क्या है तो वो क्या बोलती है लिटिल गर्ल अंजलि उस लड़की का क्या नाम है इस लिटिल गर्ल का क्या नाम है अंजलि तो कम टू द नेक्स्ट पेज ना डोंट क्राई अंजलि आई विल गिव यू ब्राइट ब्लू बैंगल्स तो जो बैंगल्स सीलर है वो क्या बोलता है कि डोंट क्राई तुम्हें वो नहीं मैं तुम्हें ब्राइट मतलब जो चमकीला होता है चमकीला ब्लू, ब्लू ब्लू कलर है बैंगल्स का मैं बैंगल्स का कलर दूंगा सेज द बैंगल सीलर बेंगल सीलर बोलते हैं तुम्हें तो वो नहीं मैं तुम्हें ब्राइट एंड ब्लू बैंगल्स दूंगा

अंजलि क्या बोलती है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए मुझे मेरा भाई चाहिए तो डोंट क्राई से फूड सेलर फूड सेलर क्या बोलते है डोंट क्राई मतलब वो नहीं देर इज अ पुलिस मैन यहाँ पे एक पुलिस मैन है पुलिसमैन है ही विल फाइंड योर ब्रदर वो तुम्हारा जो भाई है जो खो गया है उसको वो फाइंड आउट करेगा क्यों क्योंकि जब भी हम कोई चीज खो देते हैं या चोरी हो जाता है तो हम कहाँ जाते हैं हम पुलिस के पास जाते हैं उनकी हेल्प लेते हैं पुलिस हमारी हेल्प करते हैं उस चीज को फाइंड आउट करने में तो वो पुलिस को बोलता है फाइंड आउट करेगा तो दैट इज माई ब्रदर तो ये क्या बोलती है लड़की कि जो पुलिस मैन है ये पुलिस मैन कोई और नहीं मतलब मेरा भाई है तो अंजलि का भाई कौन है ये पुलिस मैन से अंजलि अंजलि कैसे बोलती है एक बिग स्माइल के साथ बोलती है मतलब ये कि अंजलि मार्केट में है आर मेनी शॉप वेंडर्स यहाँ पे गर्ल जो है इसका नाम अंजलि है वो अपने भाई को मिस कर देती है तो वो ढूंढती है और होती है तो बैंगल सेलर एंड फोर्थ सेलर उसकी हेल्प करते हैं उसके भाई को फाइंड आउट करने में और जो पुलिस मैन होता है वही उसका भाई होता है Now, comes to, uh, hard words. Now, ये hard words जो हमने आपको आपको है, सिर्फ आप आज आपको मैं revision रही इन द मार्केट ई टी मार्केट मार्केट मतलब बाजार एफ यू डबल एल फुल मतलब कोई चीज भरी हुई होती है फुल पीपल एल ई पीपल पीपल मतलब लोग वुमेन वुमेन मतलब जब यहाँ पे ए होता है तो वुमेन मतलब एक औरत जब ई e है तो मतलब एक से ज्यादा है तो woman मतलब औरतें, और चाइल्ड child होता है सी एच आई एल डी चाइल्ड मतलब एक बच्चा बट चिल्ड्रेन है तो मतलब एक से ज्यादा बच्चे हैं, वेंडर वेंडर मतलब विक्रेता शॉपकीपर वेंडर और विक्रेता जो बेचता है सामान फ्लावर एफ एल ओ E आर फ्लावर मतलब फूल जी ए एस एम आई एन ई जैसमिन जैसमिन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं चमेली आर ओ एस ई रोज रोज को हिंदी में क्या बोलते हैं गुलाब बी ए L जी -E S, बैंगल्स बैंगल्स को हिंदी में हम बोलते हैं चूड़ी जो चूड़ी पर हम पहनते हैं कांच की होती है ग्लास की उसे हम क्या बोलते हैं बैंगल्स ग्रेप्स जी आर ए E एस ग्रेप्स मतलब एक से ज्यादा है तो अंगूर बी ए एन जी एल ई बैंगल S E डबल -L, L E R सेलर चूड़ी बेचने वाला बैंगल सेलर मतलब चूड़ी बेचने वाला C R Y क्राय क्राय मतलब रोना M A T, -T E R मैटर मैटर मतलब मामला W H Y वाई वाई मतलब क्यों फ्रूट सेलर एफ आर यू आई टी फ्रूट E डबल -L, L E R फ्रूट सेलर फ्रूट सेलर मतलब फल बेचने वाला अंजलि एन जे एल आई अंजलि अंजलि प्रॉपर नाउन है जो किसी का नाम होता मतलब है क्या बोलते हैं प्रॉपर नाउन ब्राइट ब्राइट, ब्राइट ब्राइट मतलब चमकीला पी ओ एल आई सी -E, पुलिस एम ए एन मैन पुलिस वाला मतलब पुलिस मैन पुलिस वाला एस -E, एम आई एल ई स्माइल स्माइल मतलब मुस्कान जो हम स्माइल करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं मुस्कान हिंदी में नाउ क्वेश्चन आंसर्स वट डू देंडर सेल ये क्वेश्चन आंसर आपके टेक्स्ट बुक में है तो वो मैं आपको समझा रही हूँ आप, आपने ऑलरेडी एफ एन बी में लिखा हुआ इट इज जस्ट रिविजन वॉट डू द वेंडर्स सेल वेंडर्स क्या बेचते हैं देंडर्स सेल फ्लावर्स बैंगल्स एंड फ्रूट वेंडर्स क्या बेचते हैं फूल चूड़िया और फल क्वेश्चन टू क्वेश्चन टू वट डज द लिटिल गर्ल डू लिटिल गर्ल क्या करती है क्यों लिटिल गर्ल क्या करी होती, वो होती। क्यों? क्यों? हो है वो हो गई होती है द लिटिल गर्लटिल गर्ल वज देंगल सेलर से ही विल गिव द लिटिल गर्ल बेंगल सेलर क्या बोलता है वो क्या देगा लिटिल गर्ल को द बैंगल सेलर क्या बोलता है बैंगल सेलर विल गिव ब्राइट ब्लू बैंगल्स क्या देगा वो ब्राइट ब्लू बैंगल्स टू द लिटिल गर्ल क्वेश्चन फोर हो इज द पुलिस मैन पुलिस मैन कौन होता है तो पुलिस मैन अंजलि का भाई होता है ना जब वो फूड सेलर बोलते हैं कि आपका जो ये पुलिस मैन है वो आपके भाई को ढूंढ देगा तो वो लड़की स्माइल करती है दैट तो क्या है द पुलिस मैन इज अंजलि ब्रदर अंजलि का भाई पुलिस मैन है नाउ नेक्स्ट टर्म नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन बैंक फ्रॉम पेज नंबर सिक्स इन वर्कशीट नाउ क्वेश्चन वन इज व्हाट इज फुल ऑफ पीपल क्या है फुल ऑफ पीपल तो मार्केट होता है मार्केट मतलब जहाँ पे बहुत सारे शॉप्स होते हैं जहाँ पे सारे लोग अपना कोई भी जो भी सामान लेने जाना होता है तब तो मार्केट जाते हैं तो द मार्केट इज फुल ऑफ पीपल क्वेश्चन टू हु पुश ईच अदर कौन किसको धक्का दे रहा है तो मैन वमेन एंड चिल्ड्रेन पुश ईच अदर क्योंकि जहां पे हम जाएंगे तो मेन्स मैं भी होंगे वुमेन भी होंगे और चिल्ड्रेन भी होंगे तो मैन वुमेन एंड चिल्ड्रेन पुश ईच अदर हो लिटिल गर्ल स्टैंड इन द मार्केट वो जो छोटी सी लड़की थी आ, कौन कर, मतलब खड़ी थी लिटिल गर्ल मतलब छोटी सी लड़की स्टैंड इन द मार्केट मतलब जो मार्केट में खड़ी थी वो कौन थी तो कौन थी उसका नाम क्या था अंजलि अंजलि इज लिटिल गर्ल वो लड़की कौन है अंजलि अंजलि इज लिटिल गर्ल क्वेश्चन फोर वॉट इज द नेम ऑफ लिटिल गर्ल उस लड़की का क्या नाम था जो छोटी सी लड़की थी उसका क्या नाम था द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल इज अंजलि द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल इज अंजलि उसका नाम क्या था अंजलि हु इज अंजलिज ब्रदर अंजलि का भाई कौन है तो अंजलि का भाई कौन था वो पुलिस मैन तो अ पुलिस मैन इज अंजलि ब्रदर कौन है पुलिस मैन अंजलि का भाई पुलिस मैन क्वेश्चन सिक्स हो डज फाइंड अंजलि अंजलि का जो भाई भाई था उसे किसने ढूंढा तो फ्रूट सेलर ने बोला क्यों जब वो फ्रूट सेलर बोलता है ना देर ही विल हेल्प यू टू फाइंड द योर ब्रदर तो वो देखती है तो वो पुलिस इट्स सेल्फ कौन होता है वो उसका भाई होता है तो द फ्रूट सेलर सीज अ पुलिस मैन विल फाइंड अंजलि ब्रदर तो कौन खूद सेला बोलता है कि पुलिसमैन फाइंड करेगा अंजलि कब है व्हाई डू द पीपल गो टू द मार्केट हम पीपल क्यों जाते हैं मार्केट में द पीपल गो टू द मार्केट टू बाय थिंग्स हम कोई भी सामान लेने जाते हैं तो हम कहाँ जाते हैं हम मार्केट में जाते हैं व्हाई इज अंजलि क्राइंग अंजलि क्यों रो गई थी बिकॉज़ अंजलि इज लॉस्ट इन द मार्केट अंजलि खुद खो गई थी मार्केट में इसलिए खो गई थी अंजलि भी खो गई थी कि अगर कोई अगर सपोज हम मार्केट जाते हैं हमारे साथ जो बड़े पापा मम्मी कोई अगर इधर उधर हो जाता है और हम खो जाते हैं तो हम क्या करते हैं बहुत हेल्पलेस हो जाते हैं तो इगोने लगते हैं बिकॉज अंजलि इज लॉस्ट इन द मार्केट सो सो इज शी वॉज क्राइंग क्वेश्चन टेन वाई डज अंजलि स्टॉप क्राइंग अंजलि इगोना क्यों बंद कर दिया वेन अंजलि फाइंड्स हिज ब्रदर जब अंजलि को उसका भाई मिल गया शी स्टॉप्स क्राइंग फिर उसने इगोना बंद कर दिया जब उसको उसका भाई मिल जाता है तो क्या करती है वो एगोना बंद कर देती है तो जो आज का आपका होमवर्क कि ये जो क्वेश्चन बैंक वन टू टेन क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको लर्न करना है और लिखना है और हार्डवर्ड्स लर्न करना है लिखना नहीं है ओके सो विद दिसम एंडिंग दिस सेशन थैंक यू आई होप चैप्टर सेवन आपको क्लियर हो गया होगा ओके सो विद दिस थैंक है